और मैं पूरा उठ गई थी, थी तीन बजे अभी मैंने अपना जो है खोजी तो हूँ ये तो पूरी रात नहीं सोया है जाने की इतनी खुशी है ना पूरी रात नहीं सोया है बिल्कुल तो भी चलिए फ्रेंड्स हमने कल कर दी थी पिछले ब्लॉग में आपने देखा आज बस, हमें है। कपड़े है। बस अभी हम फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही हमें निकलना है

और अभी टाइम हो रहा है कोई साढ़े तीन बजे का क्योंकि हमारी ट्रेन है कोई चार बीस चार पच्चीस पर इस टाइम तक आती है और हमें जाना है पैदल तो बहुत ज़्यादा दूर भी पड़ जाता है बच्चों के साथ बैग वगैरह भी हैं और वही दूर भी है टिकट वगैरह भी लेना है क्योंकि हमें जाना है ट्रेन से ही और कल मुझे जाना था लेकिन कल मैं नहीं जा पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत ऐसी हो गई और फिर जब भी मुझे ही जाना है बच्चों को लेकर मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं किस तरह जाती इसलिए मैं कल नहीं जा पाई और कल बच्चे इतने ज़्यादा रोए थे जाने के लिए इतने ज़्यादा रोए थे लेकिन मैं क्या करूँ मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी नहीं जा पाई तो बस अभी हम तीनों हो गए हैं फुल फाइनल रेडी और करने लगी हूँ पूजा पूजा करने का काम सबसे पहला होता है कहीं को जाओ या ना जाने के टाइम तो कोई भी जाए हस्बैंड जाए हम जाएँ पूजा जरूर से करके जाते हैं चाहे किसी भी टाइम हमें घर से निकलना पड़े तो भगवान जी का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए तो बस अभी जो है जल्दी जल्दी का ही सफ़र है जल्दी ही पहुंच जाएंगे नौ साढ़े नौ दस बजे तक तो अभी कुछ नहीं रखा है खाने को भी लेकिन फिर भी ऐसा है ना बच्चे मांगते हैं जब जागते हैं तो भूख लगती है तो दो चार गुंजियाँ वगैरह रख ली हैं थोड़े से मेरे संतरे रखे थे दो तीन वो भी छील के मैंने रख लिए हैं क्योंकि सफ़र में मुझे भी ना खाली पेट बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है उल्टी सी आती है तो ये ऐसी चीज़ें रखाऊँगी ना पानी वाली तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हम निकल चुके हैं तो फाइनल पहुंच है। पे बहुत मतलब भारी बैग है तीनों के ही कपड़े है ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी बोझा तो लगता ही है और पुल पे से जाना पड़ रहा है ना पुल पे चढ़ना सुबह सुबह रे इतना ज्यादा मतलब बेकार सा लग रहा था ना बहुत मतलब बैग भी इतना भारी था अक्स भी सोच रहा था ले जाने के लिए लेकिन अक्स पे कहाँ ले के जाया जाता है छोटा ही है पर यह तो भाई बार बार बोल रहे थे कि मुझे ले जाना मुझे ले जाना पर नहीं देखो भारी है नहीं ले जाया जा रहा था उस पर भी वैसे इसमें पहिए लगे हैं मैं खींच के ले जा रही थी पर फिर भी ना बच्चों को लगता ही है कि बस थक रही है मम्मी देखो अक्स ने पूरी कोशिश की ले जाने की पर ले मतलब उठाने में ही बहुत जैसा लग रहा था ऐसे तो आराम से लेके गई थी मैं सड़क पे पूरी ऐसे ही लेकर के आई थी तो अभी हम जो है जाएंगे सबसे पहले टिकट लेंगे अभी टाइम है और हम काफ़ी टाइम से ही आ गए थे क्योंकि बच्चों का साथ है तो टाइम से निकलना ही अच्छा लगता है तो बस अभी फटाफट से आके टिकट लेके फिर मुझे जो दूसरी तरफ जाना है और अभी कोई कितना टाइम हो रहा होगा कोई सुबह चार बजे का टाइम हो रहा है अभी तो देखिए फाइनली टिकट वगैरह लेके हम आ गए हैं हमारी ट्रेन आने वाली है ट्रेन का वेट कर रहे हैं हम दो चार मिनट में ही हमारी ट्रेन आ जाएगी और हम बैठ के हो जाएंगे शूँ तो चलिए बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं और ज़्यादा वेट नहीं करवाती तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ अपनी दीदी के घर बड़ी दीदी के घर यानी कि मुरादाबाद वहीं पर जाने का मन है बच्चों का तो इनका ना बहुत ज़्यादा मन था क्योंकि दो चार दिन की छुट्टियाँ बची हैं तो बच्चों का सबका ही मन होता है कि स्कूल की छुट्टी पड़ गई तो जाना चाहिए और रिज़ल्ट मिलने के बाद तो इनका रुकना बहुत मुश्किल हो गया तो जैसे रिजल्ट मिला ना उसी शाम को इन्होंने आने का सोच लिया था लेकिन नहीं मैं पाई तो अगले दिन ही ये ब्लॉग है मेरा इकतीस तारीख का तो बस अभी हम जो है ट्रेन में बैठे हैं और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है बच्चों को वही है ना जब जागते होते तो भूख सी लग जाती है कोई साढ़े छः बजे का टाइम होगा तब ये थोड़ा सा अपना कुछ खा रहे हैं इनका मन सा किया तो इसके बाद हमें बदलनी है दूसरी वाली ट्रेन तो अभी हम जो है खड़े हैं देखते हैं कब तक ये ट्रेन चलेगी क्योंकि हमने ये दूसरी ट्रेन जो है चेंज कर ली है मेरठ से यही इसमें भी ना फ्रेंड्स एक स्यापा हो गया था मैं का, मुझे कहीं दूसरे मतलब उतरना था लेकिन मैं पहले ही स्टेशन पर उतर गई थी तो बीच में ही मुझे जल्दी जल्दी से रिक्शा लेकर के जो है दूसरी ट्रेन को पकड़ना पड़ा बहुत मतलब टाइम तो काफ़ी था इसीलिए मैं आराम से भी मतलब दूसरी ट्रेन में न पकड़ ली थी तो अभी जो है मेरठ से बहुत आगे हम निकल चुके हैं तो अक्स को ना चाय पीनी थी अभी कोई टाइम हो रहा होगा साढ़े सात बजे का तो ये चाय पी रहा है वैसे जो कॉफ़ी बार कॉफ़ी पी रहा है हाँ ये कॉफ़ी गिलास में बहुत गर्म हो रही थी तो मैं इसीलिए ना गिलास रख के लेके गई थी क्योंकि बच्चे मांगते ही हैं जब होते हैं तो, तो बस इसने चाय बिस्किट खाई और हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ ये देखो फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा हरियाली ग्रीनरी गेहूं के खेत नहीं मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे गेहूं कहीं पक रही थी कहीं कच्ची हो रही थी तो बस इसी तरह से हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा बहुत ही ज़्यादा मन लग रहा था सुबह सुबह सफ़र अच्छा लगता है और अभी हम आ गए हैं अपने यहाँ यानी कि गढ़ मुक्तेश्वर की, की गंगा जी पे तो यहाँ आकर के भी बहुत अच्छा लगा गाड़ी से जाते हैं तब भी हमें मिलता है ट्रेन से गए तब भी हमें गंगा जी के दर्शन होते ही होते हैं अक्ष 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 अच्छे से देखना भी इधर को मैं सबसे पहले देखो लेके सबसे पहले देखो चुके

तो बस अभी शाम का टाइम है पूरे दिन कुछ भी शूट नहीं किया पॉपकॉर्न बनाए हैं दीदी ने अब बच्चे पूरा इन्जॉय कर रहे हैं और अचानक से ही होने लगी बारिश मौसम एकदम से ख़राब हो गया क्योंकि यहाँ पर तो और भी ज़्यादा गर्मी हो रही है पर जब बारिश हुई ना तो बहुत अच्छा मौसम हो गया और अच्छी खासी बारिश पड़ भी गई थी इतनी ज़्यादा भी नहीं हुई इतनी कम भी नहीं हुई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था तो फ्रेंड्स बस अभी दो तीन दिन यही रहूंगी आप सबके साथ भी बीलॉग शेयर करती रहूंगी आप सबसे बस रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू बने रहना आगे के ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं ये तो मेरा टूटा फूटा सा ब्लॉग था लेकिन फिर भी पता ना जरूर कि आपको कैसा लगा और अभी बस आगे के ब्लॉग कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा जो करने की तो बस कंटिन्यू बने रहना आप लोग बारिश पड़ रही है खुशबू आ रही है बारिश पड़ती है ना मिट्टी मस्त एकदम और आज मैं हूँ अपनी बेटी के मदद से थोड़ा गुलाब तो अच्छा वाला मिलेगा ही मिलेगा पर अच्छा लेकिन आज का तो थोड़ा मिलेगा अचानक और ये तो कौन बोले कि सॉरी चिपचिपके गिर गए वो मैं ऐसे के वो सारे दुकान वाले के ओ, सारे गिर गए थे पीछे गिर गए थे गिर गई हैं देखो अभी भाट है चप्पल नहीं है ओके अच्छा चप्पल सिर पे रख लेती गीले क्यों कर लिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का टाइम है बन रही है मैगी और फिर हस्बैंड भी आ गए थे शाम के टाइम ही इन्हें भी वहाँ से अचानक से ही आना पड़ा जिस दिन हमारे वो भी यहीं पर आ गए हैं और अभी उन्हें सुबह ही जाना है और हम बना रहे हैं मैगी लेकिन ये वाला ब्लॉग भी करेंगे हम यहीं पर एंड पहले तो काफ़ी अंधेरा हो रहा था फिर मैंने टॉर्च वगैरह जलाई है और यहाँ सबकी चल रही है मस्ती पूरी ये मेरे जीजा जी बैठे हुए हैं और ये सब बातें कर रहे हैं और तो चलिए फ्रेंड्स ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ अगला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहना ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब